कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग का लेक्चर कर रहा है। आज हम लोग देखने वाले हैं एड्रिनर्जिक ड्रग्स एंड उसके न्यूरो रिसेप्टर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। एड्रिनर्जिक ड्रग्स और उसके न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक देखिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनर्जिक ड्रग्स की। एड्रिनर्जिक ड्रग्स आर द एजेंट विच एक्ट डस डायरेक्टली ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो कि हम लोग का एड्रिनर्जिक ड्रग्स होता है वो हम लोग के डायरेक्ट अटैक करता है हम लोग के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। एंड दिस ड्रग्स आल्सो नोन अ सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स एज एजेंट। माइमिक्स मतलब होता है कॉपी, द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये कॉपी करता है हम लोग का, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका जो एक फिजिकल रहता है एक्शन, वो सेम वैसे ही ये एड्रिनर्जिक ड्रग कॉपी कर देता है, ठीक है। एंड ऑन स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस आर प्रोड्यूस। ये हम लोग के स्टिमुलेशन करता है फॉलोइंग नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ये पहला कार्डियक स्टिमुलेशन रिजल्ट इंक्रीज हार्ट रेट। कार्डियक मतलब ये कार्डियक में हम लोग के इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन फोर्स को ये बढ़ा देता है। सेकंड है स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स। ये ब्रोंकियल मसल जो कि लंग्स में पाया जाता है वो उसको रिलैक्सेशन कर देता है। लंग्स से जुड़ा होता है ब्रोंकियल मसल के द्वारा, ये लंग्स में हम लोग के उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। और फोर्थ है ये हम लोग का इंक्रीज इन रेट ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये हम लोग के ग्लाइकोजेनोलिसिस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और फिफ्थ है हम लोग का लिब्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। ये फ्री फैटी एसिड का लिब्रेशन कर देता है। अब देख लेते हैं इसको। द न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द एनर्जिक सिस्टम बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ केटाकोलामाइंस। ये जो जितने भी हम लोग के एनर्जिक ड्रग्स होते हैं वे बिलोंग करते हैं केटाकोलामाइंस क्लास से। केटाकोलामाइंस है वे केटेकोलारिंग, जिसको हम लोग आर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन के भी बोलते हैं। केटेकोल को अटैच रहता है इसमें एक अमाइनो अटैच टू एन अमाइनो एथाइल साइड चैन। अमाइनो एथाइल जो कि साइड चैन से अटैच रहता है, जिस पर हम लोग को बनता है इपिनेफ्रिन। इसको हम लोग जानते हैं एड्रिनेलिन हार्मोन के नाम से, या एंड नॉन एड्रिनेलिन या नॉन इपिनेफ्रिन इसको, और ये डोपामाइन। ये तीनों मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर हैं हमारे एनर्जिक ड्रग्स के, ठीक है। एंड आर द प्रिंसिपल न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जिक सिस्टम। एनर्जिक सिस्टम की ये तीनों मेजर या प्रिंसिपल हैं। इपिनेफ्रिन जिसको एड्रिनेलिन के नाम से जानते हैं, नॉर इपिनेफ्रिन जिसको नॉर एड्रिनेलिन, और डोपामाइन, ठीक है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट आर द स्पेसिफिक केमिकल एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल एजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स किसको बोलते हैं? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जो दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। दिस न्यूरो ट्रांसमीटर गेट रिलीज ओनली व्हेन नर्व इम्पल्स प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स एट स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, कहाँ कहाँ रिलीज करता है न्यूरो ट्रांसमीटर को, ये हम लोग के स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है। दिस न्यूरो ट्रांसमीटर क्रॉसेज द साइनेप्स एंड इनिशिएट द एक्टिविटी इन अनदर न्यूरॉन बाय इंट्रैक्शन विथ द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर।
ये क्रॉस करता है हम लोग के साइनिप्स, जिसके कारण ये न्यूरॉन्स को क्रॉस कर लेता है। ठीक है, इपिनेफ्रिन जिसको हम लोग एड्रिनल कहते हैं, एड्रिनेलिन हार्मोन, नॉन इपिनेफ्रिन जिसको नॉन एड्रिनेलिन, जिसको NAC डिनोट करते हैं, एंड डोपामाइन आर नेचुरली अक्रिंग, ये हम लोग के बॉडी में नेचुरली अक्रिंग होता है, प्राप्त होता है। कैटाकोलामाइन एंड कंट्रोल वेरियस रिस्पॉन्सेस लाइक फाइट फ्लाइट एंड फ्रियर, इसको आप लोग याद कर लेना, ट्रिपल F, फियर फाइट फ्लाइट। ठीक है, अब हम लोग इसके एपिनेफ्रिन नॉरिपिनेफ्रिन और डोपामाइन के थोड़ा डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो इपिनेफ्रिन इट इज़ ए हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला, ये एड्रिनल मेड्यूला के द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जो कि हमने टॉप ऑफ किडनी में पाया जाता है, जो कि एक हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग इट इज़ आल्सो कॉल्ड अस एड्रिनलिन, और इसको EDR से डिनोट करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे इपिनेफ्रिन का, इसका वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यदि नहीं पता है आप लोगों को तो जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार और सिंपल सा बता दे रहा हूं जो आप लोग अभी देख रहे हैं उसके लिए। तो इपिनेफ्रिन इसके लिए आप लोग को सिंपल सा एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है, और इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस पर CH और CH2, और इस पर CH2 पर NH और CH3, और पहले वाले कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल देना, जिसके एपिनेफ्रिन हम लोग को बन जाएगा, जिसको एड्रिनेलिन भी बोलते हैं। और नॉरएपिनेफ्रिन इट इज़ ए न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द सिंपैथेटिक नर्व इन द ब्रेन। न्यूरो ट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन जो सिंपैथेटिक नर्व एंड ब्रेन में हम लोग के प्रेजेंट होता है। इट एक्ट अस प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इपिनेफ्रिन इन एड्रिनल ग्लैंड, ये प्रिकर्सर होता है हम लोग के सिंथेसाइज करने में इपिनेफ्रिन का एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं नॉरएपिनेफ्रिन का। नॉरएपिनेफ्रिन का सिंपल सा यहाँ से जो CH है इसको आप लोग को रिमूव कर देना है, बाकी सिंपल सा आप लोग देख लो, सिंपल है, बाकी आप लोग वैसे ओके वैसे लिख देना, CH बस को रिप्लेस कर देना, और ये N और ये H3 तो H3 बाकी सेम है, देख लो ये बन गया हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, इसको NSA डिनोट करते हैं नॉन एड्रिनलिन। और डोपामाइन इट इज़ ए नेचुरली अक्रिंग कैटाकोलामाइन एक्ट अस न्यूरोट्रांसमिसर इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह नेचुरली अक्रिन होता है कैटाकोलामाइन में, एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर के, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसल गैंग्लिया से प्राप्त रहता है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ हम लोग देख लो, यहाँ पर सिंपल ससीम है, यहाँ से हम लोग NH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H H और H H। ठीक है, यहाँ हम लोग NH3 को लिख लें, तो यहाँ का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस वाले पोजीशन से एक हाइड्रोजन ले लेंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा H2O बाहर, तो ये बन जाएगा हम लोग का यहाँ पास N 1 2, तो NH2 हो जाएगा सिंपल सा, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन बना के वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिससे हम लोग को सिंपल सा डोपामाइन का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और फार्मेसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।